एवरीवन, वेलकम टू ज्योतिष एक्सप्लोरिंग डायरी। तो चलिए, आज लेकर आई हूँ मैं आपको नवी मुंबई के आईवीस होटल में। यहाँ पर आज हम लोग बुफे लंच करने आए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ का आपको इंटीरियर और एम्बियंस दिखाती हूँ। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर हम लोग तो आज लंच बुफे करने आए हैं, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी ही। उससे पहले यहाँ का मैं आपको एम्बियंस से दिखाती हूँ कि कैसा है। चलिए, इतना अच्छा एम्बियंस देखने के बाद अब चलते हैं बुफे की तरफ। और बुफे में यहाँ पर क्या क्या मेन्यू में क्या क्या था वो सब आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। ये है, फ्रूट्स है बहुत सारे, जिसमें वाटरमेलन, पपैया और मस्क मेलन था। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ है जो सैलेड रखा हुआ है, बहुत सारी वेराइटी थी सैलेड की यहाँ पे। और ये है, अचार भी रखा हुआ है, और यह बूंदी का रायता भी है। और अब मैं दिखाती हूँ, ये है चिकन, चिकन ग्रेवी है ये, और ये है जो पनीर चिल्ली है, और ये है, इसमें था ये मंचूरियन, और इसमें है नूडल्स। और डेजर्ट में है गाजर का हलवा और आइसक्रीम भी है, ये चॉकलेट आइसक्रीम है, बहुत ही यम्मी था। और यहाँ पर है जो वेजिटेबल सूप रखा हुआ था, और बहुत ही टेस्टी था वेजिटेबल सूप। और यहाँ पर पापड़ भी है, और ये मेन कोर्स में है जीरा राइस है, और ये है दाल, और ये है पालक पनीर, और यहाँ पर इसमें था मिक्स वेज। यहाँ पर रोटी या नान नहीं रखा हुआ था, या लच्छा पराठा, आपको जो भी खाने का है इनको हम लोग बोल दिए थे, इन्होंने हमें गर्म गर्म खाने के टेबल पर ही सर्व किया। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ने सूप लिया, और वेजिटेबल सूप मुझे तो बहुत ही पसंद है, और यहाँ पर जो था वो टेस्टी भी काफ़ी था। और थोड़े थोड़े से फ्रूट्स भी हम लोग ने ट्राई किए। और ये है पनीर टिक्का, ये स्टार्टर्स में हम लोग को उन्होंने दिया था, ये ऑर्डर पे उन्होंने हमें बना कर दिया था, और बहुत ही यम्मी था। और चिकन का भी आइटम है जो आप मंगवा सकते हैं यहाँ पे, और अनलिमिटेड है, और बहुत ही यम्मी था। मेन्यू में जो वैरायटी थे वो बाकी में बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही अच्छा था। और मतलब कि मुझे बुफे बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी मिलते हैं। मतलब कि ऐसे होटल में जाते हैं तो मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं मंगवा पाती हूँ कि क्या खाए, वही सोचने में लग जाती हूँ। लेकिन बुफे में क्या है, आपको सामने से काफ़ी सारी वैरायटी मिलती है, और खाना बाकी में बहुत ही टेस्टी था,
और आईवीस होटल में आप एक बार लंच बुफे आप बिल्कुल करने आ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा रेट मुझे यहाँ की नहीं लगी, मतलब कि जिस तरह से और भी जगह की मैंने रेट देखी है उस जगह से के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा रेट नहीं है। और अब चलते हैं खाना खाने के बाद है जो फन जोन में। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे जो हम लोग ने ट्राई किया। यहाँ पर है इंडोर गेम्स भी आप खेल सकते हो। और आज बुफे लंच करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, इंजॉय किया। आईवीस होटल में पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पीसफुल जगह है। आईवीस होटल का ये बुफे लंच का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।